मतलब दादी बाबा की मेरी याद नहीं आएगी। दो चार दिन वापस आ जाना ठीक है, मेरी बात सुना। सचिन तेरे को मेरी याद आएगी। यही कोई मैं घर पे पत्थरी मूर्तियों पूजता हूँ ना, उसके बजाय इस भगवान को पूजू कि सबसे बड़ा भगवान ये है, ठीक है ना। ज्यादा मस्ती नहीं होनी चाहिए ठीक है ना, बोल तो ले एक बार इधर। गुड मॉर्निंग अरू, मेरा वीडियो देख रहा है तू? किट्टू कहाँ है? किट्टू गुड मॉर्निंग। मम्मी कहाँ गई यार? ज्योति गुड मॉर्निंग, चाय कर दे मुझे तैयार भाई, आज लास्ट बार चाय पिला तेरे हाथ से यार, तो इसके बाद तो मुझे बना बना के पीनी पड़ेगी शायद, है ना। तो आज फाइनली ज्योति का थी चाय पी लेते हैं, पता नहीं कितने दिन बाद इसके आपकी चाय पीने को मिलेगी मेरे को, इसके बाद फिर मेरे को देखोगे आप, मैं ही बना बना पीता रहूँगा मेरे हिसाब से, मतलब बनाएगी मम्मी, मैं गर्म करके पीऊँगा बाद में उठूँगा जब, थैंक यू तेरे हाथ से पिलाता। खुली 5 बजे मतलब 4:30 बजे, तो ज्योतिष मैंने टाइम पूछे टाइम कितना हो रहा है, तो इसने बताया मेरे को 2 बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आज ज्योति के हाथ की चाय लास्ट बार पी रहा हूँ, इसके बाद जाने कितने दिन बाद ज्योति के हाथ की चाय पीने को मिलेगी मेरे को, तो आगे आपको पता लग जाएगा, है ना। मेरी याद आएगी, मेरी याद नहीं आएगी तेरे को? आएगी क्या? बोली मेरी याद आएगी तो खुश हो रहेगी, बहुत दिन बाद आ तो मजे से रहेगी अकेले ही। एक साल कैसा होने वाला? जून अगस्त में भाई, पता है औरों की बीवी है ना, साल में 5-7-10 बार घर पे जाती होगी, तो मेरी बीवी साल में 2 बार घर पे जाती है, इस बार तो 1 बार जा रही है ना, है ना, हमेशा मेरे साथ रहती, मैंने मेरे को छोड़ती नहीं बिल्कुल भी, और जाती ना तो 8-10 दिन के लिए जाती, बेचारी वापस आ जाती मेरे पास, कि मेरे को अकेला छोड़ने में डर लगता है इसको, है ना, मेरे बिना रहती नहीं। मेन बात ये है यार, प्यार ऐसा होना चाहिए बीवी का भाई, ना बहुत सी लोग ऐसे होते हैं जो भाई पति को छोड़ के 15-15-20-20 दिन घर पर रहती है, पति बेचारा ऐसे भी रहता रहता है, भाई मेरी बीवी मुझे छोड़ भी जाती नहीं कहीं भी। चलो चाय पीते उसके बाद हमारी माता जी से मिलाते हैं आप सबको, ठीक है, और ब्लॉग को एंड तक देखना भाई, ब्लॉग इसकी मत करना, बहुत शानदार बहुत मज़ेदार वाला ब्लॉग होने वाला है यार भाई। अभी मम्मी पता नहीं जाना कहाँ किस बुस हुए यार, ओहो मेरी मम्मी तो इधर बैठी है कोटावली बाग की तरफ की, कोटावली बाग भी आ गई हमारे यहाँ पर। हेलो मम्मी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग मम्मी, जय श्री राम मम्मी, राधे कृष्ण मम्मी। भाई अपनी मम्मी से ना बहुत प्यार किया करो, इस पृथ्वी लोक पे ना सबसे बड़ा भगवान है ना अगर, तो जिसको तुम मंदिरों में जाके घर पे पत्थरी मूर्तियों पूजते हो ना, उसके बजाय इस भगवान को पूजो, ये सबसे बड़ा भगवान ये है, ठीक है ना, समझ लो मेरी बात को। मारे चुम्बक ले अच्छे से करना चुम्बो, मम्मी किस करने में शर्माती हुई मेरे बाकी तो उसमें गई हाँ लड़ जाइए आते जाना है। मम्मी खाना कैसा लगा? सब्जी कैसी लगी? शानदार लगी। तो भाई 12:25 हो रहे हैं, नहा धोए कंप्लीट हो गए हम सब, और खाना खाएंगे, पापा मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाऊंगा, तो मम्मी से बात कर लेते, मम्मी कैसी लगी खाना? मम्मी कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया लगा। हाँ बेटा भाई आरू ऐसे बोल रहा है पापा, आप यूट्यूब पर बोलो मैं तीर वाला गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मेरी याद आएगी नहीं आएगी? आज आएगी थोड़ी सी, मुझे मिस नहीं करेगा तू? वो कितने दिन में वापस आएगा? 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तो बोल रहा है हमारे किट्टू रानी। किट्टू तुझे पापा याद नहीं आएगी? ये अलग मोबाइल चला रही थी इधर, पापा याद नहीं आएगी इधर वो?
पापा मिस नहीं करेगी तू? अरे मेरी मोटू कंद। भाई आरू इसे बोल रहा है सुबह से कि पापा आप रोना मत मेरे लिए, मैं 2-3 दिन में वापिस आ जाऊंगा यहाँ पे और मैं फोन पे बात करूंगा आपसे, ऐसे बोल रहा है वो। आज खाना कंप्लीट हो गया मेरे को रख दे, आज के बाद में खाएंगे हम हमारी मम्मी का हाथ का खाना, ठीक है? हेलो आरू, हेलो किट्टू, आप लोग कहाँ जा रहे हो आज? नाना नानी को जा रहे हो? नाना नानी घूमने जा रहे हो? और पापा मम्मी की मतलब दादी बाबा की मेरी याद नहीं आएगी? गाड़ी कौन चलाएगा? तो मैं थोड़ी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ में। मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले जा रहे हो? हाँ मम्मी भी जा रही, मेरी बात सुन, जल्दी आना ठीक है ना, हाँ 2-4 दिन वापस आ जाना ठीक है। मेरी बात सुन आरू, दीदी का पूरा ख्याल रखना बेटा, ऊपर मत जाना कहीं भी, बाहर मत जाना ठीक है ना। और दीदी दीदी ठीक है, भैया ख्याल रखेगी ना, ऊपर मत जाना कहीं गिर जाए ऊपर से ठीक है ना। और पापा से डेली बात करना ठीक है, ठीक है भाई, कर दो ऑडियंस को। भाई आज आरू किट्टू नाना मामा जा रहे हैं, तो कहीं भी जाने से पहले हम हमारे ठाकुर बाबा के डोक देते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं हम। तो आरू पहले देख के चला गया दादी के साथ में, और यहाँ है हमारे किट्टू मोटू। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। इतनी खुशी, अरे वाह। किट्टू तू जज नहीं करी दादी के, मेरे कर ले, तू मेरे कर ले। ये बड़ा खुश रहा अच्छे से। अरे ऊपर बैठ जा तू, इधर इधर ऊपर बैठ जाना। ज्यादा मस्ती नहीं होनी चाहिए ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है। किट्टू ए मोटू बोल तो ले एक बार इधर। बाय, ध्यान रखना ठीक है बेटा। चलो भाई फाइनली आरू किट्टू जा चुके उसके नाना मामा के साथ में, और हम रह गए यहाँ पे अकेले। अब 8-10 दिन बाद आएंगे वो यार, तो जब तक बुरा लगेगा थोड़ा। मैं भी मम्मी रोटी बना दी क्या? सो भाई आज हमारी मम्मी बना रही खाना, फिर आरू किट्टू ज्योति गए उसके नाना नानी के भाई, तो वो 8-10 दिन बाद आएंगे यार। तो जब तक मेरी मम्मी हम दोनों बना के खाएंगे, हम तीनों बना के खाएंगे, मतलब पापा मम्मी मम्मी, पापा मम्मी और मैं, हम तीनों बना के खाएंगे। जब तक मम्मी का आपका खाना भी खा लेंगे यार, तो मम्मी की आपकी रोटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत दिन हो गए ना खाए मेरे को, तो बहुत टाइम हो गया यार, मतलब कभी कभी खाने मिलती मम्मी की रोटी तो। हाँ हम जब से कोटा से आए जब से तो मम्मी ने चाय बना के निकली, रसोई में भी नहीं आई मम्मी, तो फाइनली आ जाना मम्मी के आपके पराठे खाएंगे हम। भाई एक चीज मिस करूंगा मैं यार, सुबह उठते हैं मेरे को चाय गर्म गर्म मिल जाती है जल्दी, अब चाय मुझे गर्म करनी पड़ेगी भाई, तो आने वाले ब्लॉग देखना मत भूलना भाई, कैसे स्ट्रगल भरी रहेगी मेरी लाइफ 8-10 दिन के लिए, कैसे 8 बजे उठ के आऊंगा मैं, उसके बाद मुझे गर्म करनी पड़ेगी चाय। तो फिर मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती 5-6 बजे, तो मम्मी पापा जी बना लेंगे चाय, उसके बाद में क्या क्या होता है मेरी लाइफ में 10 दिन के अंदर विदाउट पीवी, ठीक है। चलो खाना वाना खाते हैं, तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करना एंड शेयर करना है भाई, जो चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई, हमारे चैनल जुड़ो जल्दी से जल्दी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखो, अपने साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, बाय। मम्मी किसकी मम्मी है? मेरी मम्मी तो हमारी।